पंजाब के किसानों की पूर्ण कर्जा माफी की मांग को लेकर आज बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घेराव करने की कोशिश की गई। सेक्टर 37 स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में एकत्रित होकर हजारों की संख्या में किसानों ने कैप्टन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर सीएम आवास की तरफ कूच की, मगर पुलिस की तरफ से प्रदर्शन कर रहे किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें फेंकी गई और उन्हें सीएम आवास का घेराव करने से रोका गया। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा ने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक किसानों का पूर्ण कर्जा माफ नहीं कर दिया जाता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया कि अपने चुनावी वायदे में कैप्टन ने कहा था कि सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। ये वादा उन्होंने गुटका साहिब को हाथ में लेकर किया था जो अभी तक निभाया नहीं है। किसानों का पूरा कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, किसान